न्यूज, खबरों की नई पहचान। महिला ने लगाया मंदिर के पुजारी पर बलात्कार का आरोप। मामला है झरिया थाना अंतर्गत चिल्ड्रन पार्क के रहने वाली एक महिला ने मंदिर के पुजारी पर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया है। वही इसकी जानकारी सिंदरी एसडीपीओ प्रमोद कुमार केशी को दी गई। सूचना मिलते ही एसडीपीओ झरिया थाना पहुंचे और महिला के बयान पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और वही पुलिस ने बताया कि महिला के बयान पर पुजारी को गिरफ्तार किया गया और महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। वही यह घटना झरिया एवं धनबाद में आग की तरह फैल गया है, क्योंकि एक मंदिर के पुजारी पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के धनबाद जिला के उपाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस इस मामले को लेकर इतना जल्दबाजी क्यों की है, पहले इसका जांच होना चाहिए था। ये मामला पूरे तरीके से फर्जी मामला है। पुलिस को इसमें थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए था और इसकी न्यायिक जांच की हम लोग मांग करते हैं। तो पंडित जी ने 4-5 दिन पहले उनसे अपने पैसे की मांग की, अगले ने पैसा देने में असमर्थता जताया और आके थाना में फर्जी मुकदमा कर दिया। और ये हिंदू समाज के ऊपर सीधे सीधे हमला है। हम लोग विश्व हिंदू परिषद पूरा इसका विरोध करता है और हम लोग इस मामले को लेकर SSP से कल मिलेंगे भी और मुन्ना पंडित के लिए न्यायिक जांच की मांग करेंगे। वो जो महिला है वो कहाँ की है, क्या वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है? हिंदू महिला है, लेकिन इसमें कुछ साजिश हुई है मुन्ना पंडित जी के तरफ। यह थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज किया गया है 215/18 376 IPC में, जिसमें एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है। उस आरोप के अंतर्गत हम लोगों ने प्रथम दृष्टया कांड में सत्य पाया गया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही पीड़िता का चिकित्सीय जांच हेतु भी हम लोग मेडिकल के लिए भेजा गया है उसमें। ठीक है।